हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। सितंबर माह में आएंगे हरतालिका तीज, गणेश महोत्सव, अनंत चतुर्दशी, एकादशी, पूर्णिमा व अन्य बड़े व्रत त्योहार। जाने सही तारीख और शुभ मुहूर्त व समय। अंग्रेजी कैलेंडर का नवा महीना सितंबर माह और हिंदू कैलेंडर का छठा महीना भाद्रपद होता है, जो कि व्रत त्योहारों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस साल सितंबर महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत जैसे गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, गणेश महोत्सव, शिक्षक दिवस, वामन जयंती और अनंत चतुर्दशी जैसे बेहद महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाएंगे। आज हम आपको सितंबर माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की पूरी लिस्ट की जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस माह में कौन कौन से व्रत त्योहार आएंगे। अजा एकादशी। इस साल 2021 में अजा एकादशी 3 सितंबर को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में एकादशी का काफी महत्व है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत। साल 2021 में 4 सितंबर शनिवार को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। यह व्रत प्रति माह में 2 बार त्रयोदशी के दिन रखा जाता है। शिक्षक दिवस। 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मासिक शिवरात्रि। सितंबर माह में मासिक शिवरात्रि का व्रत 5 सितंबर के दिन रखा जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। ये दिन भगवान शिव को समर्पित है। भाद्रपद अमावस्या। साल 2021 में भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि 7 सितंबर के दिन है। इसे श्राद्ध अमावस्या या पितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने की परंपरा है। हरतालिका तीज। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस साल हरतालिका तीज 9 सितंबर के दिन मनाई जाएगी। इसी दिन वराह जयंती भी होगी। गणेश चतुर्थी। इस साल गणेश चतुर्थी महोत्सव 10 सितंबर से शुरू होगा। भाद्रपद माह की गणेश चतुर्थी 11 दिवसीय पर्व की समाप्ति 21 सितंबर को होगी। ऋषि पंचमी। इस साल ऋषि पंचमी 11 सितंबर के दिन मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। परिवर्तनीय एकादशी और विश्वकर्मा पूजा। साल 2021 में 17 सितंबर के दिन परिवर्तनीय एकादशी, कन्या संक्रांति, विश्वकर्मा पूजा और रामदेव जयंती मनाई जाएगी। एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। शनि त्रयोदशी। इस साल भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी 18 सितंबर शनिवार के दिन होगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ शनि देव की पूजा भी की जाएगी। अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी का पर्व 19 सितंबर को पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा के साथ ही गणेश विसर्जन भी किया जाएगा। भाद्रपद पूर्णिमा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा कहलाती है। इस साल यह तिथि 20 सितंबर के दिन पड़ रही है। भाद्रपद पूर्णिमा को श्राद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। पितृपक्ष प्रारंभ। इस साल 21 सितंबर 2021 से पितृपक्ष का प्रारंभ होगा, जो कि 16 दिनों तक चलेगा। इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध व तर्पण के कार्य किए जाएंगे। संकष्टी चतुर्थी। 24 सितंबर के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी से आशय संकट को हरने वाली चतुर्थी तिथि से है। इस दिन गणपति की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। जीवित पुत्री का व्रत। साल 2021 में 29 सितंबर के दिन जीवित पुत्री का व्रत रखा जाएगा। इसे जीतिया व्रत भी कहते हैं। माताएं संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए इस व्रत को निर्जल रहकर पूरा करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।